यार तीन दो गियर लगा के यूं आगे को गई। ओ तेरी बहन की लग गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी पेट दुखाओ वीडियो में। दोस्तों, जानवरों के अंदर एक अजीब ही कीड़ा होता है और ये जब फुदकता है तो जानवर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि इंसान पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाता है। आज हम अपनी इस धमाकेदार वीडियो में आपको जानवरों की कुछ ऐसी ही उटपटांग हरकतें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपकी हंसी रोके नहीं रुकेगी। इसीलिए भूमिका में ज्यादा समय जाया ना करते हुए चलिए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। नागराज को देखते ही जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी पेंट गीली हो जाती है और हर कोई इन्हें देखते ही दुम दबाकर भागने लगता है। लेकिन यह मम्मी का नादान परिंदा न जाने क्या सोचकर आया कि नागराज की सीधे पूंछ खींचने लगा। पहली बार में तो नागराज भी घर के अंदर घुस गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरी पूंछ के साथ कुछ ज्यादा ही छेड़खानी हो रही है तो उन्होंने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया और इस तरह प्रकट हुए कि भाई साहब की चड्डी के फटकर 100 टुकड़े हो गए। अब तेरा क्या होगा कालिया। पापा की बुढ़िया वैसे तो कोई काम करती नहीं है, लेकिन जब भी करती है तो ऐसा करती है कि काम में भी छेद हो जाता है। इन दो नादान परियों को ही देख लीजिए, जाने कौन से छेल झबीले की तलाश में इस घर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। पर इन्हें क्या पता था कि छेल झबीले ने तो घर के अंदर दो बॉडीगार्ड रख रखे हैं, जो अब इन दोनों पर ऐसे टूटेंगे कि ये भी ओम माय मदर गंगेस करती हुई भागती फिरेंगी। भैया आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा, इधर लपक। चाचा ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया तो वाह दीदी वाह, इसे कहते हैं दोस्ती में दगाबाजी। इंसान हो या जानवर, मम्मी बचपन से ही सिखाती है कि किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने मन मुताबिक चलना। पर ये डोगी महाराज उन डेढ़ खजूरों में से हैं जो ना तो मम्मी की बात सुनते हैं और ना ही उन पर ध्यान देते हैं। मालिक ने जब इसे अप्रैल फुल बनाया तो कुत्ता उसे सही समझ बैठा और ठंडे ठंडे पानी से भरी इस नदिया में कूद पड़ा। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। कुत्ते के रिएक्शन देखकर समझ आ रहा है कि मालिक को खूब गालियां दी जा रही है। तो घर मिल मुझे, तेरा कीमा ना बना दिया तो मेरा नाम भी राम प्रसाद नहीं है। चल झूठा। इन दोनों कुत्तों को देखिए जो एक दूसरे से छमिया के लिए नहीं बल्कि छमिया के आइटम के लिए लड़ रहे हैं। दोनों में से कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे थैली तो दे दो भैया। अरे थैली में क्या करना है, घर जाके पहनना है ना, थैली का क्या करोगे? अच्छा भैया अच्छा, आप तो मेरा नेचर जानती हैं। अब इल्लू भतरा। अरे चुप कर लंगोटे, तेरा नहीं वो ब्राज छोड़ निकल। लगता है जिसका भी आइटम है आज तो दम तोड़ ही देगा, या तो दोनों में आधा आधा बटेगा या इस पूरे के लिए इन दोनों में पानीपत का युद्ध चलेगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है जरा कमेंट करके अपने विचार बताइए। जानवरों में भी एक अलग ही स्वेग होता है, खासकर कुत्तों में। ये कभी अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं तो कभी गायत्री देवी। अब अमरेंद्र बाहुबली के इस दूर के रिश्तेदार से ही मिल लीजिए। जी हाँ, इसी कुत्ते की बात हो रही है। न जाने कुत्ते ने ऐसा कौन सा टोना टोटका किया कि ब्लैक ब्यूटी ने सीधा कुत्ते को अपनी पीठ पर बैठा लिया। लेने तुझे ओ सासू टपका के ससुर को रखना शब। एक तरफ है मम्मी के जवान घबरू जो जिम में जा जाकर पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पापा की परिया उन्हें प्यार से सहलाना तो दूर ताड़ना भी पसंद नहीं करती। और एक इन कुत्तों की जिंदगी है इतनी ज्यादा लकी है कि जहाँ पर एक प्यारा सा कुत्ता दिख जाए वही पापा की परिया मधुमक्खियों की तरफ बिनबिनाना शुरू कर देती है और कुत्तों को ऐसे सहलाती है जैसे वो इनका घरवाला हो। देखो ना, एक बात जान लो आगे के लिए, लौंडिया क्या पर्सनैलिटी और लुक पे मरती है, जान रहे हो? अबे अपने लिए बोल रहे हैं। सब लड़की यही ले ले रहा, हम तो वेटिंग लिस्ट में रह गए। सलीम का सलाम, कसम से जल परी लग रही है। क्या हो रहा है भाई? छोटा देवर, कहाँ की रहने वाली हो? जी हाँ, हम चंदनपुर के रहने वाले। अपना चंदनपुर बोल रही हो? और ये शेर का ढेर हो गया। भाई साहब को आज एहसास हो रहा होगा कि काश उस दिन मैं सो जाता। कहते हैं कुत्तों का इलाका होता है, पर इस वाली क्लिप को देखने के बाद लगता है कि मोदी जी ने कुत्तों के नाम पूरा का पूरा रोड ही कर दिया है। अब इस खुजली प्रसाद को ही देख लीजिए, रोड के बीचों बीच बिस्तर लगाए पड़ा है। वाहनों की कतार दौड़ती हुई इसे रोंदने को तैयार है, पर मजाल है कि कुत्ता बीच में से हट जाए, कभी इधर तो कभी उधर, और जैसे वाहनों की कतार खत्म बीच में आकर सेट हो जाता है। यह हलकट
ये इधर हम दोनों काम कर रहे तो उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट रहा है। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। वो 20 लाख के तेरे पास इधर चल के आने वाला है, ऐसे ही समझ लो। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। बाबू भैया एक आदमी आने वाला है, मस्त पे की उसको मैंने बाटली में उतारा है। बॉस 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 है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है, क्या बोलने का? लगता है यहाँ पर कुत्ते की सांस को उगाड़ रखा है, तभी इस जगह से इतनी हमदर्दी जता रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सबसे क्लासी और सबसे मस्त वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, लेकिन उसे देखने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो यार ऐसी और मस्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनी है या उनके सीरियल देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि गोपियों के साथ साथ गाय, हिरण, बैल सभी उनकी मुरली की धुन पर झूमा करते थे, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। ये सभी हरे कृष्णा करके झूम रहे हैं। पास ही एक हिरण भी खड़ा है जो अपनी गर्दन घुमा घुमा कर इनके साथ हरे कृष्णा धुन पर झूमने की कोशिश कर रहा है। गजब हो गया भैया। ये गड़बड़े बाबा। वाह हिरण बहन वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। दोस्तों इस अद्भुत दृश्य के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना तो बनता है बॉस। जब भी खुराफाती दिमाग की बात आती है तो बंदर भाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इनके दिमाग में जो कीड़ा है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हर समय उठपटांग हरकतें करता रहता है, मतलब बंदर से करवाता रहता है। ये बंदर अपने लाल लाल बम को लिए कुत्ते की पीली पीली पीठ पर चढ़ गया है और उसकी सवारी को मस्त एंजॉय कर रहा है, लेकिन जब लाल लाल बम बैलेंस में नहीं आए तो बंदर भाई साहब नीचे कूद पड़े। टूटी पड़ोसन ने सप्लाई में बाहर जा रही हूँ जिंगोली, थोड़ी देर में। नहीं जा रही बाप, जेठ जी बैठे हैं दरवाजे पे। विनोद का पता है? विनोद कौन है? हट हट, मुझे नहीं मालूम विनोद कौन है। 4 3 2 1 विनोद बता दे कौन है। तेरी बहन को नमन। हट हट, हमें नहीं मालूम विनोद कौन है, हमसे मत पूछा। 001 तुम्हारी बहन को नमन, जाओ। लगता है आज तो कुत्ते का काम स्वर्गवासी हो ही जाएगा। जरा इन भेड़ों के बम का कहर तो देखिए, कैसे मटक मटक कर चल रही हैं। मानो बम नहीं सब्जी का थैला हो जिसे जहां मन चाहे वहां ही ला दो। करे कोई और भरे कोई। अब तेरी तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ है। बिल्ली मौसी ने टीवी का मर्डर कर दिया, पर बिल्ली मौसी और पड़ोस वाला कुत्ता कुछ ज्यादा ही चालू था। दोनों मैदान छोड़कर भाग गए और जैसे ही मालिक अंदर आए बेचारा बीच वाला फंस गया। बिल्ली कैसे देखकर समझ आ रहा है कि मौसी मन ही मन बहुत खुश हो रही है। क्या मजाक कर रहा है? कौन कहता है चूहे सिर्फ फलों को कुतरना जानते हैं, या वायर्स की चीरफाड़ करना जानते हैं, या कपड़ों की मदर सिस्टर करना जानते हैं। अरे भाई चूहे पाल के तो देखो, ये पिद्दी दूसरे काम करना भी जानते हैं। बात तो सही है। इस काम काजी चूहे से मिली है जब अपने मालिक के हाथ पर लगी चोट को मरहम देने के लिए दौड़ा दौड़ा बटुए के पास गया और अपने नुकीले दांतों से चेन को उधेड़ा। मालिक, ए मालिक, मालिक मलम लगा लो, मालिक मलम, पैसों का मलम, खुजली बहुत चल रही है ना। दोस्तों इंसान भी कुछ कम नहीं है, जैसे ही देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है वैसे ही अपना रूप बदल देते हैं, बिल्कुल दियाबाती की मीनाक्षी की तरह। इन्होंने भी ऐसे ही किया, जैसे ही देखा कि सोशल मीडिया पर जानवरों का तहलका है तो जनाब ने अपने 2 नामाकुनों को बनाया भैंस, उन पर डाली चादर और लगे इस आर्टिफिशियल भैंस से दूध निकालने। पर भैंस शायद आज किक मूवी देखकर आई थी। वैसे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये भैंस दूध देगी या सीधा दही देगी। खैर आप समझदार हैं। बचपन में मेरी तरह आपने सबवे सर्फ गेम तो बहुत खेला होगा, लेकिन क्या कभी आपने सबवे सर्फ को देखा है, वो भी रियल लाइफ में? शायद नहीं। इसीलिए हम इस क्लिप को आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ इन छोटे बंदर जी के अंदर सबवे सर्फ का भूत घुस गया है और बंदर भाई एक के बाद एक लेवल्स को पार करते ही जा रहे हैं। बंदर जी तो सचमुच में खिलाड़ी निकले। बजाओ ताली।
वैसे अगर आपको ये लगता है कि स्वैग दिखाने में सिर्फ कुत्ता बिल्ली शेर ही आगे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि आजकल जमाना बदल रहा है तो जमाने के साथ साथ जानवर भी अपडेट हो रहे हैं और इस लिस्ट में गौ माता का नाम भी शामिल है। पर यहाँ गाय माता तो नहीं, लेकिन हाँ गाय माता का छोटा पीस जरूर स्वैगबाजी पर उतर आया है। देखिए कैसे चश्मा लगाए सूरज दादा को निहार रहा है। सूरज आज दुखी तो बहुत हो गए तुम, मैंने चश्मा जो लगा लिया। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अच्छा परियां भी अलग ही नमूना है। अब इन मैडम को देखिए, हिरण से डर के मारे बेड़े के बाहर खोपड़ी छुपाई बैठी है। पर तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैडम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। साथ ही हाथ बटाना, ये गाना और बचपन की वो कहावत जिसमें मम्मी कहा करती थी कि एक लकड़ी टूट जाएगी लेकिन जब पांच लकड़ियां मिलेगी तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, जेसीबी भी नहीं, उसी का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। ये दोनों बच्चे इस बेल को पानी में बहने से बचाने में लगे हुए हैं। सामने वाली सड़क पर खड़े कुछ लोगों ने वहां खड़े दूसरे लोगों को भी इशारा किया। इस पर कुछ और भाइयों ने भी बच्चों का हाथ बटाया और नतीजा हमारे सामने है। तो देखा आपने, पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति, अगर सभी एक साथ मिलकर करेंगे तो जीत हमेशा मानवता की ही होगी। आज तक आपने बबीता जी को स्विमिंग करते देखा होगा, दया भाभी कोमल भाभी को भी स्विमिंग करते देखा ही होगा, लेकिन कभी मेंढकी रानी को स्विमिंग करते देखा है? नहीं। तो जरा इस मेंढकी को देखिए, ऐसे तन बदन चौड़ा करके स्विमिंग कर रही है मानो आज ही बिजलियां गिराने निकली हो। लगता है भैया इसे प्यार हुआ है, तभी ऐसी पागल जैसी हरकतें कर रही है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जंगलों में शेर महाराज का राजपाट चलता है, लेकिन इंसान जंगलों की कटाई इतने जोरों शोरों से कर रहे हैं कि जंगलों में शेरों के लिए इलाका कम पड़ता जा रहा है। यही कारण है कि शेरों ने अब इंसानों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। इस शेर को देखिए, पापा की परी के साथ इतना गुल मिल गया है कि उनकी गाड़ी पर मस्त मगन होकर बैठा है, जिसे देखकर पीछे वालों की तो हालत ही पतली हुई जा रही है। अरे ये क्या, ये तो शेर के भेष में कुत्ता निकला, लोल हो गया भैया। दोस्तों अगर आपके घर की रामपुरी छुट्टियां मांग रही है तो घबराइए मत, उसे छुट्टियां दे ही दीजिए, क्योंकि अब रामपुरी का काम केकड़ा कर सकता है। पर कैसे, तो ये कलाकारी आपको हमारे एकमात्र भाई साहब सिखाएंगे, गौर फरमाइए। समझ गए ना, अब आप भी अपनी रामपुरी को छुट्टी दे दीजिए और बिंडी हो या तरुई ऐसे ही कटवाते जाइए। मस्त प्लान है। चलिए अब हम आपको अपनेपन से भरी एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो क्लिप को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इसमें आपका ही घाटा है, फुर्ती से कर लीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, प्लीज वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर लो। अगर आपने कर लिया तो शाम तक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या पता हो सकता है आपकी सगाई हो जाए। देखिए जल्दी से कर लीजिए फॉलो। और अब देखिए कैसे ये बकरी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय भी बड़े आराम से इसे दूध पिला रही है, मानो उसी का बच्चा हो। वाकई में अपनापन सीखना है तो जानवरों से सीखना चाहिए।